एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और जो भी वीडियोस आती हैं वो आपके लिए यूजफुल रहती होंगी। आज का मेरा टॉपिक है हमारे स्किन केयर और मेकअप के रिलेटेड, यानी कि CTMP। जब भी हम अपनी स्किन को प्रिपेयर करते हैं किसी मेकअप के लिए तो हम CTMP का यूज़ करते हैं। मोस्टली हमने CTM सुना है, जो हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, क्लिंजर, टोनर और मॉइस्चराइज़र, जिससे हम अपनी स्किन की जो प्रेपरेशन है उसे अच्छे से कर सकते हैं। और जब हम प्राइमर की बात करते हैं तो प्राइमर क्यों और कब यूज़ करना चाहिए और इसे कैसे यूज़ किया जाता है, उसके बारे में आज इस वीडियो में आप देखोगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज का मेरा टॉपिक है प्राइमर के ऊपर, हम प्राइमर को क्यों यूज़ करते हैं और इसका क्या पर्पस होता है हमारी स्किन पे। तो जब भी हम मेकअप के लिए अपनी स्किन को पहले से प्रिपेयर करते हैं तो हम जब मॉइस्चराइज़र के बाद वाला जो स्टेप होता है, यानी कि फोर्थ स्टेप, तो हम अपनी स्किन को प्राइमर से प्राइम करते हैं, जिससे कि हम कोई भी जो मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करें वो हमारे स्किन के अंदर तक ना जाए, क्योंकि वो प्राइमर जो है हमारी स्किन पे एक लेयर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से आप कोई भी केमिकल इफेक्ट हमारी स्किन पे नहीं होता और जिसे लगाने से हमारे जो पोर्स हैं वो भी मिनिमाइज हो जाते हैं और अच्छे से जो हमारा मेकअप है और फ्लॉलेस मेकअप है वो हमें मिलता है। तो इसीलिए हम प्राइमर का यूज़ करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको प्राइमर मिल जाएंगे, ऑयल फ्री प्राइमर मिल जाता है जिनकी ऑयली स्किन है, या मोस्टली समर्स में तो सबको ही जो स्वेटिंग की प्रॉब्लम है वो रहती है, चाहे वो ड्राई स्किन हो चाहे वो ऑयली स्किन हो, तब आप ऑयल फ्री जो प्राइमर है उसका यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज बहुत से मार्केट में प्राइमर आपको मिल जाएंगे, बहुत सी अच्छी अच्छी रेंज में और बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। प्राइमर से क्या होता है कि हमारी जो पोर्स है, अगर आपके लार्ज पोर्स हैं तो वो मिनिमाइज हो जाते हैं और उनमें जो प्राइमर है वो बिल्कुल इक्वली कर देता है, जिससे कि हमारी जो स्किन है वो अनइवन टोन में नहीं रहती है और अच्छे से उस पर जो मेकअप है हम अच्छे से कर सकते हैं। अगर अदरवाइज जब हमारे पोर्स ओपन रहेंगे तो उसमें अच्छे से फाउंडेशन या बेबी क्रीम वो अच्छे से नहीं लग पाएगा। तो आप मॉइस्चराइज़र के बाद प्राइमर का यूज़ कर सकते हो और उसके बाद कोई भी आप अगर बीबी क्रीम लगाना चाहते हो या फाउंडेशन लगाना चाहते हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। बहुत से मार्केट में प्राइमर अवेलेबल हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे जाके या लोकल मार्केट में भी इसे परचेज कर सकते हो। ये काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाते हैं और हमारी स्किन को ये अच्छी एक लेयर प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमारी स्किन के जो पे जो भी मेकअप हो रहा है वो हमारी स्किन के अंदर पोर्स तक ना जाए, वो ऊपर ही रहे और जब भी हम अच्छे से उसे क्लीन कर ले तो हमारा जो मेकअप है वो अच्छे से क्लीन हो जाए और उसके बाद कोई भी हमें पिंपल या कोई रैशेज या इरिटेशन की प्रॉब्लम ना रहे। मैं आपके साथ ये प्राइमर शेयर कर रही हूँ, ये है स्विस ब्यूटी का, ये आप देख सकते हो, रियल मेकअप बेस। ये हाइलाइटिंग प्राइमर है, जब भी आप इसे अप्लाई करोगे तो आपके जो फेस पे वो एकदम शाइन आ जाएंगे। जब भी आप ब्राइडल मेकअप या कोई भी पार्टी मेकअप करते हो या आपकी ड्राई स्किन है तब आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, आपकी स्किन पे एक शाइनी ग्लोई इफेक्ट देता है, तो आप इसे ज़रूर परचेज करें। ये देखिए, ये इस पैकेजिंग में आपको मिल जाएगा। इसे आप ओपन करके ये एक पंप फॉर्म में आपको मिलेगा, तो आप इसे ऐसे अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल थोड़ा सा ही आप इसे अप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा जो ग्लोई इफेक्ट है वो हमें प्रोवाइड करेगा। ये आप देख सकते हो, ये मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है एंड देन उसे लगा दिया है। ये देखिए, ये एकदम ग्लोई इफेक्ट देता है क्योंकि इसमें थोड़े से शिमरी जो पार्टिकल्स हैं वो होते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो ग्लो करने लग जाती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में ये आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर किया कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको इजी से मिल जाए। और ऊपर आई बटन में भी आपको वीडियोस मिल जाती हैं, वहाँ पे भी आप वीडियोस को देख सकते हो। वीडियो के लास्ट स्क्रीन में भी आपको जो वीडियोस मिलती है आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर है। तो अगर आप कोई और टॉपिक देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।